हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। इस वीडियो में जो है हम कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम है मध्य प्रदेश का, हम उस पर बात करने वाले हैं। ये आखिरी वीडियो है एमपीपीएससी का। इसके बाद जो है पूरा कोर्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। इसमें हम लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी जो बॉडीज़ हैं उनके बारे में हम समझेंगे। इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मेरा नाम है शशांक लखेरा। स्टेट पॉलिटी की अगर मैं बात करूँ तो स्टेट पॉलिटी में आपको तीन चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी, एक होता है लेजिस्लेटिव बॉडी, एक होता है जुडिशियल बॉडी। बेसिकली लेजिस्लेटिव बॉडी का काम होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम होता है इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशियरी का काम होता है उसको रिव्यू करना कि वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। अगर उसमें कोई दिक्कत है, कोई खामी है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट या जो हाई कोर्ट होता है वो यहाँ पे ऑर्डर देता है कि ये चीज़ यहाँ पे गलत है, इसको जो है इस तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है जुडिशियरी का यहाँ पे काम होता है। और जो कार्यकारिणी होती है, विधायक जो होती है, इनका काम होता है बेसिकली यहाँ पे कानून बनाना, इनका काम होता है एग्जीक्यूट करना, और जुडिशियल का होता है रिव्यू करना। तो इस तरीके के तीन पिलर जो हैं आपको देखने को मिलेंगे, और ये तीन पिलर जो हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, मतलब स्टेट गवर्नमेंट में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ये तीन पिलर आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर मैं बात करूँ स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी की, तो जो राज्य विधायी जो निकाय है, इसमें आपको कुछ आर्टिकल्स मिलेंगे कि जैसे गवर्नर होते हैं, ठीक है, गवर्नर हेड ऑफ स्टेट होते हैं, मींस हेड ऑफ जो स्टेट होता है, मतलब एक राज्य है उसके जो है आपको हेड देखने को मिलेंगे। फिर एक चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे, फिर उसके बाद जो है आपको जुडिशरी देखने को मिलेगी। तो सबसे ऊपर जो है गवर्नर होते हैं स्टेट में, गवर्नर ही चीफ मिनिस्टर को यहाँ पे अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और जैसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं केंद्र सरकार में, वैसे राज्य सरकार में गवर्नर अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर को। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आर्टिकल 168 यहाँ पे ये बोलता है कि प्रोवाइड्स फॉर द लेजिस्लेटिव बॉडी इन ईच स्टेट, द स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी विल कंप्राइज ऑफ गवर्नर एंड वन और टू हाउसेज। सो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, आर्टिकल 168 के हिसाब से किसी भी राज्य में एक गवर्नर होगा और दो हाउसेस होंगे, या एक हो सकते हैं या दो हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको लेजिस्लेटिव असेंबली मिलेगी और एक जगह आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलेगा, कई जगह आपको दोनों ही देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है यहाँ पे नहीं है। आर्टिकल 170 ये बताता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ कितनी है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो स्ट्रेंथ है वो 60 लोगों से कम नहीं होना चाहिए और 500 से ज़्यादा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली ये आपसे पूछ लिया जाता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ किस आर्टिकल में दी गई है, तो ये जो है 170 में यहाँ पे दी गई है। और 168 में दिया गया है कि लेजिस्लेटिव बॉडी होगी जिसमें एक गवर्नर होगा और दो हाउसेज यहाँ पे, एक या दो हाउसेज जो है हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। कंपोजिशन की अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके का कंपोजिशन आपको देखने को मिलेगा, जैसे गवर्नर होते हैं, फिर एक अपर हाउस होता है और फिर एक लोअर हाउस होता है। तो गवर्नर जो है अभी प्रेजेंट में आनंदीबेन पटेल है, और यहाँ पे आपको सिर्फ लोअर हाउस देखने को मिलेगा विधानसभा, जो एक मैंडेटरी होता है, मतलब किसी भी स्टेट में आपको ये देखने को ही मिलेगा। भला ही लेजिस्लेटिव काउंसिल ना हो, लेकिन लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, विधानसभा है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दो सदन होते हैं, एक ऊपरी सदन और एक निचला सदन। अब यहाँ पे आर्टिकल 178 है वो क्या बोलता है, तो आर्टिकल 178 क्या बोलता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में, ये जो मेजोरिटी होती है असेंबली की, वो उससे जो है इलेक्ट करे जाएंगे। तो जो लोग यहाँ पे इलेक्ट होके आएंगे, ये मान लो ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो लोग यहाँ पे इलेक्ट होके आए हैं उन्हीं में से किसी को इलेक्ट किया जाएगा कि वो स्पीकर बनेगा या डिप्टी स्पीकर यहाँ पे बनेगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे 178 जो आर्टिकल है ये यहाँ पे वर्क करता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो किस आर्टिकल में दिए गए हैं, तो आर्टिकल 178 जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर आता है आर्टिकल 179, स्पीकर अपने डिप्टी स्पीकर को अपना त्यागपत्र दे सकता है, मतलब रिजाइन दे सकता है, ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है। सो बेसिकली स्पीकर किसको देगा, डिप्टी स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर किसको देगा, स्पीकर को। तो ये जो है आपसे पूछ लिया जाता है कि स्पीकर जो है किसको अपना त्यागपत्र देता है, या किसको जो है अपना जो रेजिग्नेशन है वो सबमिट करता है। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो प्रेसिडेंट है वो अपना
जो रेजिग्नेशन है वो किसको देते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आपको जो है यहाँ पे बताना है। फिर आर्टिकल 180 आता है। आर्टिकल 180 ये बोलता है कि डिप्टी स्पीकर का पावर होता है कि अगर स्पीकर एबसेंट है, अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर डिप्टी स्पीकर जो है स्पीकर का पद यहाँ पे संभालेंगे और वो जो है जब तक ये ऑफिस नहीं आते तब तक जो है ये स्पीकर की तरह एक्ट करेंगे। तो आर्टिकल 180 क्या बोलता है, तो आर्टिकल 180 का क्लॉज 1 है वो ये बोलता है कि गवर्नर यहाँ पे प्रोटम स्पीकर अपॉइंट कर सकता है अगर स्पीकर की जो है यहाँ पे वैकेंसी है, स्पीकर की सीट जो है यहाँ पे वैकेंट है और अगर कोई डिप्टी स्पीकर जो है यहाँ पे नहीं है। सो बेसिकली देखो, गवर्नर यहाँ पे प्रोटम स्पीकर अपॉइंट करेगा। मान लो देखो यहाँ पे अभी ये सीट खाली है, ठीक है, इस सीट को भरने के लिए क्या करेंगे अब, देखो यहाँ पे स्पीकर भी नहीं है और डिप्टी स्पीकर भी अभी कोई भी नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे इसके लिए, इसी में से किसी को, इन्हीं में से किसी को प्रोटम स्पीकर मतलब कुछ समय के लिए स्पीकर यहाँ पे बना दिया जाएगा। ये कौन कर सकता है, तो ये गवर्नर करेगा, ठीक है। गवर्नर ही अपॉइंट करता है स्पीकर को भी, गवर्नर ही अपॉइंट करेगा प्रोटम स्पीकर को भी। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि ड्यूटीज़ जो हैं डिप्टी स्पीकर की, कि वो स्पीकर की तरह जो है मतलब स्पीकर की तरह एक्ट कर सकता है जब स्पीकर ड्यूटी में नहीं है, ये आर्टिकल 180 में दिया गया है। लेकिन गवर्नर अपॉइंट कर सकता है प्रोटम स्पीकर, ये आर्टिकल 180 सब क्लॉज 1 में दिया है। इस पर बिल्कुल प्रश्न बनता है 180 और 180 क्लॉज 181 में जो है यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। तो 180 क्लॉज 1 ये बोलता है कि यहाँ पे गवर्नर प्रोटम स्पीकर अपॉइंट करेगा, वहीं आर्टिकल 180 ये बोलता है कि डिप्टी स्पीकर की ये ड्यूटी है अगर स्पीकर एब्सेंट है, तो यहाँ पे जो है अगर स्पीकर एब्सेंट है तो ये अपनी ड्यूटीज जो है यहाँ पे डिप्टी स्पीकर स्पीकर की ड्यूटी जो है यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है। तो ये आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। अब एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, तो आर्टिकल 178 क्या बोलता है, तो यहाँ पे विधानसभा के जो लेजिस्लेटिव जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो हैं, ये लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर सेलेक्ट होके आए हैं उन्हीं में से यहाँ पे एक जो है यहाँ पे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को बनाया जाएगा। आर्टिकल 179 क्या बोलता है, स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, डिप्टी स्पीकर को, और डिप्टी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन देगा स्पीकर को। तो ये आर्टिकल 179 में यहाँ पे दिया गया। फिर आर्टिकल 180 में क्या दिया है, आर्टिकल 180 ये बोलता है कि डिप्टी स्पीकर का ये पावर होता है कि हम अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं अगर स्पीकर अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने में अनेबल है, वो एब्सेंट है, तो डिप्टी स्पीकर जो है स्पीकर की ड्यूटी यहाँ पे करेगा। तो ये आर्टिकल 180 में दिया गया। अब आर्टिकल 181 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 180 क्लॉज 1 ये बोलता है यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट कर सकता है प्रोटम स्पीकर, कुछ समय के लिए स्पीकर को अपॉइंट कर सकता है अगर वो स्पीकर की वैकेंसी वैकेंट है और डिप्टी स्पीकर भी यहाँ पे नहीं है, तो उसके लिए जो है यहाँ पे प्रोटम स्पीकर जो है अपॉइंट यहाँ पे किया जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कंपोजिशन समझ लो स्टेट लेजिस्लेटिव का, तो किस तरीके का कंपोजिशन होता है यहाँ पे, जैसा कि अभी हमने बात करी, एक गवर्नर होते हैं सबसे ऊपर राज्यपाल जो अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर को, ठीक है, जिनके सामने ही जो है शपथ लेते हैं सब जो मेंबर्स होते हैं, वो मिनिस्टर होते हैं जो वो स्टेट गवर्नमेंट के। फिर एक होता है अपर हाउस, लेकिन मध्य प्रदेश में अपर हाउस है नहीं, ठीक है, अपर हाउस यहाँ पे है नहीं, ये प्रेसिडेंट के कंसल्टेशन से यहाँ पे बनाया जाता है। फिर एक होता है लोअर हाउस जिसे हम विधानसभा कहते हैं, विधानसभा जो है मैंडेटरी होती है, विधानसभा जो है यहाँ पे मैंडेटरी होती है और हर जगह आपको ये देखने को मिलेगी, हर स्टेट में एक विधानसभा आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। प्रेजेंट अगर हम बात करें तो यहाँ पे 15th असेंबली यहाँ पे चल रही है। देखिए 14th असेंबली में शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, 15th असेंबली के इलेक्शन हुए तो यहाँ पे कांग्रेस के पास मेजोरिटी आई और यहाँ पे कमलनाथ को जो है क्या बनाया गया, चीफ मिनिस्टर यहाँ पे बनाया गया उस समय, अभी कुछ समय पहले की बात है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, कांग्रेस की मेजोरिटी यहाँ पे चली गई। अब जब इनकी मेजोरिटी चली गई तो मेजोरिटी किसके पास आ गई, सिंधिया अपने पूरे जो सेना है वो लेके आ गए शिवराज सिंह चौहान के पास, तो चीफ मिनिस्टर कौन बन गए, शिवराज सिंह चौहान। तो इस तरीके की कहानी जो है मध्य प्रदेश में हुई है। अब यहाँ पे प्रेजेंट स्टेटस की हम बात करते हैं कि विधानसभा की वर्तमान स्थिति क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए 2000 को, 1st of November 2000 को बाइफर्केशन हुआ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, उस समय जो है यहाँ पे जो स्ट्रेंथ थी वो 230 स्ट्रेंथ यहाँ पे कर दी गई, पहले और ज़्यादा थी क्योंकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ की भी सीट थी, ठीक है, तो उनकी सीट अलग करके यहाँ पे टोटल 230 जो है यहाँ पे सीट आपको देखने को मिलेंगी मध्य प्रदेश में। अब यहाँ पे देखो जो टोटल पॉसिबल स्ट्रेंथ कितनी है, 231 है। अभी 231 कैसे है, 230 तो इलेक्टेड हैं और एक होगा नॉमिनेट, आपको पता है एक यहाँ पे नॉमिनेट हो सकते हैं, तो गवर्नर जो है यहाँ पे नॉमिनेट करते हैं। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि प्रेसिडेंट कितने लोगों को लोकसभा में नॉमिनेट करते हैं, तो ये आपको यहाँ पे बताना।
फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो अभी टोटल स्ट्रेंथ आपको 230 देखने को मिलेगी। वहीं पे रिजर्वेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस 230 में से एससी के लिए कितनी सीट है और एसटी के लिए कितनी है। हमेशा एससी पहले आता है और एसटी बाद में आता है, ठीक है, ये एक बोलने का टर्म ही है एससी एसटी, तो इसमें जो है इसी तरीके से इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे 35 हो जाएगा और 47, तो 35 सीट जो है 230 में से वो एसटी की हैं और बेसिकली जो एसटी की हैं वो आपको 47 सीट जो है देखने को यहाँ पे मिलेंगी। सो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखो इसको याद कैसे रख सकते हो, तो एससी को याद रखने का एक तरीका है, एससी में दिया है 35, तो ए बी सी 1 2 3, सी कितने में आ रहा है 3 पे, तो 3 से आप याद रख सकते हो कि सी कब आता है, तो ये सी कब आ रहा है, यहाँ पे 3 जब आ रहा है तब सी आ रहा है, तो सी और 3 को यहाँ पे रिलेट कर लोगे तो आपको जो है यहाँ पे आंसर समझ में आ जाएगा। कभी आपसे पूछ लिया जाए अगर कि एस सी एस टी की कितनी सीटें हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, हमें हमारे सर ने बताया है ए बी सी 1 2 3, भाई एस सी हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, सी देख लिया कितने में आ रहा है 3 में, तो एस सी में जो भी ऑप्शन में आपको 3 5 दिखेगा वो सही आंसर यहाँ पे होगा। सो बेसिकली ये एक टेक्निक है, आप इससे इसको याद रख सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहली असेंबली कब यहाँ पे इलेक्शन हुए थे, तो पहली असेंबली जो है वो बनी थी 1956-57 को, क्योंकि 1956 में ही तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश यहाँ पे बना था, तो पहली असेंबली भी जब भी बनेगी। पहला इलेक्शन यहाँ पे हुए थे 1 अप्रैल 1957 को, इनिशियल स्ट्रेंथ थी उस समय 288 की, फिर स्ट्रेंथ 2000 में, सन 2000 में यहाँ पे 230 करी गई, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो यहाँ पे हिंदी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, और देवनागरी स्क्रिप्ट पे जो है यहाँ पे देवनागरी जो लिपि है वो जो है यहाँ पे स्क्रिप्ट हमको देखने को मिलती है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। मेनली ये ध्यान रखना कि 230 में से कितनी सीटें हैं, तो एससी और एसटी के लिए यहाँ पे 35 हैं, यहाँ पे 47 हैं, क्योंकि इस पे प्रश्न बिल्कुल बनता है। अब यहाँ पे कुछ असेंबली की बात समझ लो, देखो 14th असेंबली और 15th असेंबली में क्या अंतर हुआ है, क्या डिफरेंसेस हैं। 25 नवंबर 2013 को यहाँ पे इलेक्शन हुए थे, शिवराज सिंह चौहान की सरकार यहाँ पे बनी थी 2013। टोटल इलेक्टेड मेंबर्स जो है यहाँ पे 230 प्लस 1 आपको देखने को मिलेंगे, एक ये नॉमिनेटेड होते हैं। इलेक्टेड फीमेल कितनी थी, तो ये 31 थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो एमएलए जो इलेक्ट हुई थी 2013 में, ये थी जब 40th असेंबली थी, तब यहाँ पे 31 एमएलए जो है आपको देखने को मिलेंगे। सो बेसिकली महिलाएं जो हैं 230 में से यहाँ पे 31 जो फीमेल है वो आपको देखने को मिलेंगी 2013 में। वहीं अगर हम 15th असेंबली की बात करें, तो इलेक्शन हुए थे 28 नवंबर 2018 को और कांग्रेस की सरकार यहाँ पे बनी थी, उस समय जो है यहाँ पे 17 मेंबर्स जो है यहाँ पे इलेक्ट हुई थी। सो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कुल जो निर्वाचित महिला है वो कितनी थी, तो 17 महिला जो है यहाँ पे निर्वाचित हुई थी 2018 में, और फिर जो है यहाँ पे सरकार इनकी जो है चेंज हो गई, तो फिर शिवराज सिंह चौहान वापस यहाँ पे मुख्यमंत्री बने। अब यहाँ पे जो हमारी असेंबली जहाँ पे लगती है, मतलब लोकसभा जो है, लोकसभा नहीं विधानसभा जो है, तो इसे हम पहले कहते थे मिंटो हॉल, ओल्ड असेंबली जहाँ लगती थी, इस बिल्डिंग को मिंटो हॉल कहा जाता था, और ये जो गवर्नर जनरल थे उस समय लॉर्ड मिंटो, तो उनके नाम पे इसको रखा गया था। और जो फोर्थ और लास्ट रूलर थी भोपाल की, नवाब शाह जहाँ बेगम, तो उन्होंने जो है इसको उनके नाम पे जो है यहाँ पे रखा था। और भोपाल के जो चौथे और अंतिम शासक थी नवाब शाहजहाँ बेगम, तो उनकी ये कल्पना थी कि इस तरीके का जो है बनाया जाए। फिर लॉर्ड मिंटो जो भोपाल आए, तो उन्होंने जो है उनके नाम पे इसको रख दिया, और तब से जो है उसका मिंटो नाम, मिंटो हॉल जो है उसका नाम हो गया था। अभी जो प्रेजेंट असेंबली लगती है उसे हम कहते हैं इंदिरा गांधी विधान भवन, ये भोपाल में है, और इसको 3 अगस्त 1996 को यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था। इसको चार्ल्स जो कोरेरा है उन्होंने इसको बनवाया था, और इसकी जो लोकेशन है वो है अरोरा हिल्स भोपाल में। तो इंदिरा गांधी विधान भवन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और 3 अगस्त 1996 को जो है इसका उद्घाटन यहाँ पे किया गया, और ये भोपाल में आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे स्टेट की एग्जीक्यूटिव बॉडी समझ लो कि स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो किस तरीके की है। तो यहाँ पे जैसे आपको सेंटर में आपको मिलेंगे प्रेसिडेंट, और एक तरफ आपको मिलेगी लोकसभा और राज्यसभा, मतलब यहाँ पे होंगे प्राइम मिनिस्टर, और यहाँ पे आपको मिलेंगे लोकसभा में जो बैठते हैं वो है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, मतलब राज्यसभा में जो बैठते हैं वो है वाइस प्रेसिडेंट, जो है ऑटोमेटिकली हेड होते हैं राज्यसभा के। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो स्टेट में क्या होता है, अब स्टेट में एक तरफ आपको मिलेंगे गवर्नर, यहाँ पे प्रेसिडेंट हो गया सेंटर में, और ये हो गया लोकसभा, और ये हो गया राज्यसभा। अब स्टेट की हम बात करें तो स्टेट में गवर्नर आपको मिलेंगे, फिर होंगे सीएम, और यहाँ पे होंगे जो बेसिकली जो लेजिस्लेटिव
काउंसिल होती है, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल तो है ही नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ गवर्नर हुए और चीफ मिनिस्टर हुए। अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे गवर्नर जो है वो आर्टिकल 153 में दिए गए, जो यहाँ पे ये बताता है आर्टिकल 153 कि गवर्नर हर स्टेट में होंगे, एक कोई भी इंसान उसको गवर्नर अपॉइंट किया जाएगा, वो एक या दो स्टेट से का भी जो है, एक से ज़्यादा स्टेट का भी जो है यहाँ पे गवर्नर हो सकता है। तो आनंदीबेन पटेल जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर थी और मध्य प्रदेश की भी जो है ये गवर्नर है, ये आर्टिकल 153 में यहाँ पे दिया गया है। अब आर्टिकल 154 क्या बोलता है, तो आर्टिकल 154 ये बोलता है गवर्नर जो है चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का, लेकिन वो एक नॉमिनल की तरह एक्ट यहाँ पे करता है। तो एक बेसिकली नॉमिनल अगर आप देखोगे तो हेड होता है कौन, गवर्नर, लेकिन वो एक नाम मात्र के लिए ही जो है एक्ट यहाँ पे करता है, बाकी सब काम जो है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो होती है मतलब चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो यहाँ पे करते हैं। अब चीफ मिनिस्टर जो है आर्टिकल 163 में यहाँ पे बताए गए हैं कि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर का ऑफिस जो है होगा स्टेट सरकार में, मतलब केंद्र सरकार में। अब आर्टिकल 164 जो है, आर्टिकल 164 सब क्लॉज 1 वो ये बोलता है कि जो इलेक्टेड लीडर होते हैं पार्टी के, जिनकी मेजोरिटी होती है विधानसभा में, वही अपना एक सदस्य चुन के जो है उनको चीफ मिनिस्टर बनाते हैं और गवर्नर जो है उनको अपॉइंट करते हैं। तो बेसिकली चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, तो गवर्नर यहाँ पे करते हैं। 164 सब क्लॉज 1 में ये दिया गया है कि जो इलेक्टेड मेजोरिटी है जिनकी विधानसभा में, उन वही अपना लीडर एक इलेक्ट करते हैं और उनको जो है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है और गवर्नर जो है यहाँ पे इनको अपॉइंट करते हैं। अब मध्य प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल कितने बार लगा है, तो मध्य प्रदेश में 3 बार जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल जो है लग चुका है। एक बार 1977 में लगा, एक बार 1980 में लगा, एक बार 1992 में लगा और एक बार 1993 में यहाँ पे लगा है। आप समझ लो मध्य प्रदेश में गवर्नर जो है उनके बारे में हम बात करते हैं, तो पहले जो गवर्नर थे मध्य प्रदेश के वो कौन थे, तो श्री पट्टाभी सीतारामैया यहाँ पे गवर्नर हुआ करते थे। पहली वुमेन गवर्नर कौन थी, तो ये थी सरला ग्रेवाल। फिर राजभवन जो है एक ऑफिस जो है आपको कम रेसिडेंस देखने को मिलेगा गवर्नर का, जो भोपाल में यहाँ पे लोकेटेड है। तो राजभवन जो है भोपाल में जो है राज्यपाल का कार्यालय, यह निवास होता है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर कुछ फैक्ट्स के बारे में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब वो फैक्ट्स कौन से हैं, तो पहले जो चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के वो कौन थे, तो वो है रविशंकर शुक्ला। तो रविशंकर शुक्ला जो है पहले चीफ मिनिस्टर रहे मध्य प्रदेश के। और पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर कौन है, तो फीमेल जो चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश की वो है उमा भारती। तो उमा भारती जो है पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर यहाँ पे रही है। फिर हम बात करें तो वो चीफ मिनिस्टर जो सबसे कम समय के लिए जो है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो वो है राजा नरेश चंद्र सिंह। ये सिर्फ 13 दिन के लिए जो है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रहे हैं। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें ऑफिशियल टर्म की, तो शॉर्टेस्ट ऑफिशियल टर्म जो रही है वो किन की रही है, तो वो है अर्जुन सिंह। तो अर्जुन सिंह जो है सिर्फ 1 दिन के लिए यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो है यहाँ पे रहे हैं। फिर अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट टर्म की, तो लॉन्गेस्ट टर्म जो है ये शिवराज सिंह चौहान। तो सबसे लंबा समय कार्यकाल जो रहा है वो शिवराज सिंह चौहान का यहाँ पे रहा है। और इनसे कम अगर हम बात करें तो वो है दिग्विजय सिंह। तो दिग्विजय सिंह जो है यहाँ पे कम समय के लिए जो है, शिवराज सिंह चौहान से कम समय के लिए जो है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर यहाँ पे रहे। फिर अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ये है कि जो मेन पावर पॉइंट है स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन का, वो आपको स्टेट सेक्रेटरिएट देखने को मिलेगा। अभी ये स्टेट सेक्रेटरिएट आपको कहाँ मिलेगा, तो ये वल्लभ भवन भोपाल में स्थित है, ठीक है। तो सेक्रेटरीज लोग यहाँ पे बैठते हैं और यहीं से पॉलिसीज जो है बनती हैं और फिर जो है उनको इम्प्लीमेंट यहाँ पे किया जाता है। इसको वल्लभ भवन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एग्रीकल्चर कुछ इंस्टीट्यूट्स की, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो फिशरी हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये छतरपुर में स्थित है। फिर मेन पटवारी ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, तो ये ग्वालियर में स्थित है। फिर लैंड रेवेन्यू एंड सेटलमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो ये ग्वालियर में स्थित है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो निगम है, कॉरपोरेशन है, उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे मध्य प्रदेश का फाइनेंस कॉरपोरेशन, अब फाइनेंस कॉरपोरेशन की बात आ रही है, देखो पैसे की बात आ रही है, तो मध्य प्रदेश की जो फाइनेंशियल कैपिटल है वो है इंदौर। तो फाइनेंस कॉरपोरेशन भी कहाँ होगा, इंदौर में होगा, सब तो इजीली हमको याद हो गया। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट, वो जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में स्थित है। और फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, मध्य प्रदेश का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है ये भी जबलपुर में स्थित है, मध्य प्रदेश का विद्युती बोर्ड। फिर महात्मा गांधी रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है ये जबलपुर में स्थित है, महात्मा गांधी रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। फिर रूरल पंचायत ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये अमरकंटक में स्थित है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर नरोना एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी, जहाँ आपको जाना है यही तो है वो एकेडमी, जहाँ पे डिप्टी कलेक्टर बन के आप ट्रेनिंग यहाँ पे लोगे, और ये भोपाल में स्थित है। फिर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है ये भोपाल में आपको देखने को मिलेगा। फिर है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल में स्थित है।
फिर एमपी बोर्ड ऑफ एजुकेशन भोपाल, तो एमपी बोर्ड ऑफ एजुकेशन भोपाल जो है, ये एमपी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है ये भोपाल में स्थित है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आरथी वीपी जो नरोना एकेडमी है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैनेजमेंट की, उसके बारे में। इसको 1966 में यहाँ पे सेटअप किया गया था और इसको जो है एपेक्स सेंटर बनाया गया है मध्य प्रदेश का 1987 में। इसको एक रीजनल ट्रेनिंग सेंटर जो है आईएएस के लिए यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था और 1992 में, तो 1992 से जो है इसको एक आईएएस सेंटर जो है यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। तो आईएएस का जो प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होती है, वो यहीं पे प्रदान की जाती है और जो डिप्टी कलेक्टर भी बनते हैं वो यहीं पे जो है ट्रेनिंग यहाँ पे लेते हैं जाके। अब हम बात करते हैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की, तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो जो स्टेट का पुलिस हेडक्वार्टर है वो आपको भोपाल में देखने को मिलेगा। फिर जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो डीजीपी जो है, ये पोस्ट यहाँ पे बनाई गई थी 1982 में, जो सबसे हाईएस्ट रैंक जो है हमको देखने को यहाँ पे मिलती है। और राज्य पुलिस का मुख्यालय जो है भोपाल में स्थित है। और आईजी रेंज कितनी है, तो आईजी रेंज जो है यहाँ पे 11 है और डीआईजी रेंज जो है 15 है, और आईजी रेंज जो 11 और यहाँ पे डीआईजी रेंज आपको 15 देखने को मिल रही है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ कम्युनिटी जो है पुलिस स्कीम्स मध्य प्रदेश में लाई गई हैं, जैसे एक फैमिली काउंसलिंग सेंटर लाया गया है, तो इसको 1995 में यहाँ पे शुरू किया गया है। फिर नगर सुरक्षा समिति, इसको 1996 में यहाँ पे बनाया गया। फिर ग्राम सुरक्षा समिति, इसको 1996 में यहाँ पे बनाया गया है। फिर है बाल मित्र योजना, तो बाल मित्र योजना जो है 1996 में यहाँ पे लाई गई थी, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट है निर्भया स्क्वाड, आपको पता है निर्भया का जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से एक निर्भया स्क्वाड बनाई गई 2013 में और भोपाल में इसको यहाँ पे बनाया गया था। फिर एक गौरवी मिशन यहाँ पे लाया गया, जिससे जो है एंश्योर किया जाए और वुमेन की जो डिग्निटी है उसको जो है यहाँ पे रिस्टोर किया जाए, तो उसके लिए जो है ये मिशन यहाँ पे लॉन्च किया गया था। फिर हम बात करते हैं पुलिस ट्रेनिंग मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में पुलिस की ट्रेनिंग किस तरीके से होती है और कहाँ कहाँ इंस्टीट्यूट है। अगर आप डीएसपी बनते हो तो आपको कहाँ ट्रेनिंग पे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू एकेडमी है, 1906 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था सागर में। फिर इसको 1936 में जो है अपग्रेड यहाँ पे किया गया पुलिस कॉलेज में, इसका नाम जो है रिनेम कर दिया गया जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी के नाम पे यहाँ पे रखा गया 1986 में। तो जवाहरलाल नेहरू जो एकेडमी है ये सागर में स्थित है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी की हम बात करें तो ये भोनूरी भोपाल में स्थित है और इसको 2013 में फाउंड किया गया था। फिर यहाँ पे स्टेट वुमेन कमीशन, स्टेट वुमेन कमीशन की हम बात करें तो इसको 23 मार्च 1999 को जो है यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर आपको भोपाल में देखने को मिलेगा, जिसको हम राज्य महिला आयोग भी बोलते हैं। इसको 1999 में यहाँ पे जो है एस्टेब्लिश किया गया है और इसका हेडक्वार्टर आपको भोपाल में देखने को मिलेगा। फिर हम बात करें तो पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो है बहुत सारे हैं, जैसे पुलिस कंट्रोल ट्रेनिंग सेंटर, ये भोपाल में स्थित है, ट्रैफिक कंट्रोल में जो है स्थित है, बेसिकली ट्रैफिक कंट्रोल के लिए जो है ये सेंटर है। फिर है पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च, तो ये भोपाल में स्थित है। फिर है पुलिस मोटरवर्क सेंटर, ये रीवा में स्थित है। फिर रुस्तम जी आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग, ये इंदौर में स्थित है। फिर पुलिस रेडियो वायरलेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये जबलपुर में स्थित है। फिर प्लेटून कमांडर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये जबलपुर में स्थित है। तो प्लेटून कमांडर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है जबलपुर में है, रेडियो वायरलेस जो है ये भी जबलपुर में है। फिर जो मोटर वर्कशॉप है ये हमको रीवा में देखने को मिलती है। फिर यहाँ पे हम बात करें जुडिशियल सिस्टम मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में जुडिशियल सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली हर एक स्टेट में आपको एक हाई कोर्ट देखने को मिलेगा, तो उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में स्थित है। तो मध्य प्रदेश का जो संस्कारधानी है, जिसे कल्चरल कैपिटल कहा जाता है, वहाँ पे आपको जो है हाई कोर्ट देखने को मिलेगा। स्टेट का जो हाई कोर्ट है इसको 1 नवंबर 1956 को यहाँ पे सेटअप किया गया था। अर्लियर अगर हम बात करें पहले के समय में, तो जब प्रिंसिपल सीट हुआ करती थी नागपुर में, और मोहम्मद हिदायतुल्ला जो है पहले चीफ जस्टिस रहे हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के। फिर सरोजनी सक्सेना जो है यहाँ पे पहली वुमेन जज रही हैं मध्य प्रदेश की। इंदौर और ग्वालियर जो है यहाँ पे दो बेंच आपको देखने को मिलेंगी। और सर्कल ब्रांच जो है इसको भोपाल में 2017 में यहाँ पे सेटअप किया गया है। प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो मोहम्मद रफीक जो है यहाँ पे प्रेजेंट में चीफ जस्टिस है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जब मध्य प्रदेश राज्य बना तभी जो है एक यहाँ पे जब मध्य प्रदेश राज्य यहाँ पे बना तभी जो है यहाँ पे एक हाई कोर्ट जो है बना था, और 1956 में ही जो है यहाँ पे एस्टेब्लिश इसको किया गया था। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लो कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट पहला हाई कोर्ट था देश का जिसने जो है डिजिटल हाई कोर्ट जो है यहाँ पे बना था ये। और रेवेन्यू कोर्ट की हम बात करें तो पैसे की बात आ रही है, तो रेवेन्यू कोर्ट एक एपेक्स रेवेन्यू कोर्ट है स्टेट का, जिसका हेडक्वार्टर आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगा। तो ग्वालियर में जो है आपको एपेक्स रेवेन्यू कोर्ट देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यायालय जो है 2001 में स्टार्ट किया गया था इसको, जो लोकल केसेस होते हैं उनको जो है यहाँ पे उनका जो है यहाँ पे निपटारा जो है किया जाए, तो ग्राम न्यायालय 2001 में यहाँ पे लाए गए थे। फिर यहाँ पे फैमिली कोर्ट्स लाए गए, फैमिली कोर्ट जो है यहाँ पे एस्टेब्लिश जो है किए गए, सभी डिविजनल जो हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे।
फैमिली कोर्ट एक्ट आया था 1935 में, उसके अंडर में जो है यहाँ पे पारिवारिक न्यायालय जो है एस्टेब्लिश यहाँ पे किए गए थे। फिर यहाँ पे हम बात करें तो एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल मतलब महाधिवक्ता होते हैं, तो एडवोकेट जनरल जो है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं इस केंद्र राज्य सरकार के, और 165 जो आर्टिकल है उसमें दिए गए हैं कि गवर्नर अपॉइंट करेगा एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को कौन अपॉइंट करता है, तो यहाँ पे गवर्नर जो है अपॉइंट यहाँ पे करते हैं। एम अधिकारी जो है ये यहाँ पे पहले एडवोकेट जनरल रहे हैं मध्य प्रदेश के, जिनको 1956 में यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। फिर अभी प्रेजेंट में एडवोकेट जनरल कौन है, तो एडवोकेट जनरल जो है यहाँ पे पुरुषेंद्र कौरव, तो पुरुषेंद्र कौरव जो है प्रेजेंट में यहाँ पे एडवोकेट जनरल है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो, पंचायती राज एक्ट, पंचायती राज जो एक्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बेसिकली मध्य प्रदेश जो है मध्य प्रदेश एक राज्य था जिसने जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 को जो है यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया था। सो बेसिकली पंचायती राज जो है 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उस वहाँ पे जो है बेसिकली लाया गया था, और ये थ्री टायर सिस्टम जो है स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। अब ये तीन स्ट्रक्चर कौन कौन से, तो सबसे नीचे होता है ग्राम पंचायत, फिर उससे बड़ा होता है जनपद पंचायत, फिर होता है जिला पंचायत, ठीक है। तो बेसिकली ग्राम पंचायत जो है आर्टिकल 243 बी में यहाँ पे दिया गया है, जो लोएस्ट लेवल है पंचायत राज सिस्टम का, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर मतलब ग्राम पंचायत मतलब ग्राम के लोगों का होता है, मतलब गांव के लोगों का यहाँ पे ये होता है। फिर जनपद पंचायत होता है जो ब्लॉक लेवल पे होता है, ब्लॉक लेवल में कई सारे विलेज यहाँ पे आ जाते हैं, और इसको आर्टिकल 243 बी में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ब्लॉक के वो यहाँ पे बैठते हैं। फिर जिला पंचायत, तो जिला पंचायत जो है ये भी 243 बी में दिया गया है, और ये हाईएस्ट लेवल होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, जिला पंचायत जिसे हम कहते हैं। और जिला पंचायत के हेड कौन होते हैं, तो डीएम जो है बेसिकली यहाँ पे होते हैं, इसको हेड करते हैं। तो ये था पूरा वीडियो, और मध्य प्रदेश का जो कोर्स है वो हमने पूरा यहाँ पे खत्म कर लिया है। अब सिर्फ आपको रिवीजन करना है, और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो है मध्य प्रदेश में वो हमने समझ लिया है कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव कैसे वर्क करती है, जुडिशरी में क्या है और एग्जीक्यूटिव क्या है, तो सब कुछ जो है हमने यहाँ पे देख लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो यहाँ पे काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। सो गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, सी यू द नेक्स्ट वीडियोस ऑफ एमएम एकेडमी, टिल देन टेक केयर।